बच्चों, पहले एक बार मुझे बताओ, हाउ इज योर जोश? अच्छा, तो आप जल्दी से मुझे वो स्माइल भी बता दो आपकी प्यारी वाली, जो उसको दोगे आप। हाय रब्बा, एक छोरी की तो बहुत कनिंग स्माइल आई, पूरा नाक ऊपर नीचे कर कर। अब मैं नाम नहीं बता सकता, नहीं सब लोग देखेंगे। ऑल राइट, गुलाब जामुन रसगुल्ला सब सायरा निकल गया सर, इतना लेट क्यों आ रहा है? मैं लेट नहीं करता कमीना, ये लेट करता है खड़ूस। मैं आकर बैठ गया था इधर, और फिर नीचे कुछ स्टूडेंट्स आए थे, उनको मिल रहा था। हाँ वो बताने गया ना। हाँ तू आके बताएगा, बताना ये डे, बता तो दे तेरा चेहरा। तो मैं ये बता रहा था कि ऑनलाइन यूट्यूब के बच्चों, हमारा लेक्चर्स आज और मंडे को, राइट, यूट्यूब और ऐप दोनों पर होंगे। आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड भेज दिए गए हैं, आप ऐप पर लेक्चर देखिए। कुछ प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेट करिए, हमारी जनता जो है, हमारे कार्यकर्ता जो है, आपकी सेवा के लिए तत्पर है। कुछ भी आपको प्रॉब्लम होगी तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है? और जिन जिन बच्चों ने एडमिशन लेने के बारे में सोचा था, डेमो डेमो खेलना था, तो देख लिया है हमको, तो अब आप विचार कर सकते हो और उसके बेसिस पर आपको जो उचित लगे उसके हिसाब से डिसीजन ले लेना, ठीक है? तो यहाँ से अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग। कल वो ऐसी ऐसी मैम आई थी, उन्होंने क्या सिखा कर गई तुमको जबरदस्ती, है ना? गुड़े तू सीधी बैठ जा, इधर हाथ रखना नहीं करें तू, नहीं वो पीछे वाली सोच थोड़ी क्यों डर रही। हाँ सो मैं आपको बता रहा हूँ, जीएसटी। जीएसटी बेटा दो टाइप की होती है, एक सीजीएसटी, ये आधे आधे होते, मतलब इंट्रा स्टेट, विद इन द स्टेट, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब, विद इन द स्टेट अगर ट्रांजेक्शन होती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, और अगर इंटर स्टेट होता है तो आईजीएसटी लगता है। जब हम परचेस करते किसी वस्तु को और उसके ऊपर अगर जीएसटी लगता है तो हम उसको बोलते हैं इनपुट, क्योंकि परचेस हमारा इनपुट बनता है, तो उसको बोलते हैं हम इनपुट जीएसटी। और जब हम सेल करते हैं तो वो बाहर जाता है, माल आउट, आउटवर्ड, यस और नो? सो राजा बेटा जी, आज उनो क्वेश्चन को करने की बारी आ गई ली है, तो आर वी ऑल रेडीज? यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू कम डाउन टू द क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट कब हो गया? मैंने तो नहीं कराया, होमवर्क दिया था मैंने, ट्राई करने के लिए बोला था, झूठ मत बोल, बदनाम मत करके आए रे तू, क्यूट है एकदम। कितने बच्चे करके आए? बाबा बाबा बाबा, अभी एक बात बता देता हूं सब बच्चों को, सुन लो, कोई बच्चा बैठा हुआ नहीं रहेगा, सब लोग वापस एक बार सॉल्व करेंगे। मुझे बता, ऐसा थोड़ी ना होता है एक ही बार कर कर चुप हो जाने का, यू विल डू इट अगेन, राइट? या सो नो नो बेटा, चेक नहीं करना है, क्योंकि तुम चुप नहीं बैठोगे फिर तुम है ना चुगली करोगे इधर उधर। मैं एक थप्पड़ लगाऊंगा, एंटी क्लॉक वाइज जाओगे शक्तिमान जैसे घूमते, ठीक है? सांस लेती रही गुड़िया। और मैंने जब भी बोलना है घर पर कि आपको ट्राई करना है, तो आपको एक बात दिमाग में रखनी है कि ट्राई का मतलब यह होता है कि हम उसको वापस करेंगे, ठीक है? सो प्रश्न आठवा, वी आर देयर ऑन व्हाट पेज? अच्छा मैं आपको और एक बात बता देता हूं, मैंने क्लियर शब्दों में बोला है पूरी क्लास लिखेगी, एकदम क्लियर है मेरे इंस्ट्रक्शन? अभी अगला इंस्ट्रक्शन सुन लो, अगर तुमने घर पर कर लिया है और तुम लिखते हुए नहीं पाए गए तो तुम्हें दो बार लिखना पड़ेगा, एक और दो। मैं तुमको पनिश नहीं करना चाहता हूं, मैं क्लियरली मेरा स्टैंड बता चुका हूं कि सब लोग साथ में करेंगे। तुम एग्जाम में ऐसा बोलने वाले कि सर हमने कर लिया है एक बार क्लास में, अब हम वापस नहीं करेंगे। कुछ चीजें हम बार बार करते हैं, उसमें से एक है पढ़ाई, इज दैट ओके? सो कीप डूइंग इट, जस्ट लाइक क्रिकेट बेटा, एक बार बैटिंग करी वापस करते हैं ना। इतने खड़ूस बच्चे हो ना, बिल्कुल भाव नहीं देते, बोले चलो इधर से साले बड़ा आया तू। उन्होंने क्या बोलते, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित, परचेज गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर रुपीज 50,000। ओके सो परचेसेस बेटा जी 50,000 का हुआ, से यस? और रसगुल्ले बच्चों, सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है? 9%। यार क्या है यार,
हरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो परचेस्ड गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर ₹50,000 प्लस CGST एंड SGST 9%। ओके ऑल राइट। सो बेटा जी एक बार 50,000 का 9% निकालो, कितना आ रहा है? 4,500। डू यू ऑल अप्रिशिएट? अच्छा, परचेस करेंगे तो इनपुट आएगा कि आउटपुट आएगा? तो चलो फिर लिखते हैं पहली एंट्री। इन द बुक्स ऑफ कौन है? क्यों? अच्छा दिख नहीं रहा है क्या? इन द बुक्स ऑफ रोहित। बेटा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाओ। अभी है इन द बुक्स ऑफ रोहित जर्नल एंट्रीज। और ये ऐसा डिश के आऊं और एक डिश के आऊं, पर्टिकुलर्स डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। परचेज गुड्स 50,000 का है, फर्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? सो परचेसेस तो हमारा क्लियर है कि 50,000 का है। फिर हम गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? हे गवर्नमेंट, मेरा परचेसेस 50,000 है, बट जो मैं परचेस कर रहा हूं उस पर अभी टैक्स भर रहा हूं, ये आगे जाके सेट ऑफ होता है। ओके सो बेटा जी कौन सा है? CGST। सो हम लिखेंगे इनपुट CGST अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी बेटा जी? 50,000 इंटू 9%। बोलो हां। डेबिट कितना आएगा? 4,500। इनपुट SGST 50,000 इंटू 9%, 4,500। बेटा किससे परचेस किया है? साहिल से। ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट? तो हमें साहिल को पे करना है। साहिल इज अ पर्सनल अकाउंट। When I am crediting a personal account, that means the amount is payable. So Sahil account I'll write down 59,000. तो मुझे Sahil को purchase के और tax के कुल मिलाकर कितने रुपए भरने? 59,000 रुपीज। So लिखेंगे being purchased goods for Sahil. फ्रॉम साहिल बोला ना पागल, आंखें बटन है तुम्हारी, बोला गलत। फ्रॉम साहिल एंड अकाउंटेड फॉर GST 2 हो गया। एक सेकंड वाला बताओ, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सैम 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट 10% प्लस CGST एंड SGST 9%। 20,000 was paid immediately and the balance payable after 3 months. So technically speaking, क्या मैं आपको इसका working दिखा सकता हूं पहले? Yes, so आप इसका working क्या करो बेटा जी? Journal entry के लिए कितनी है? 7 journal entries है. So you can maybe you know leave 7 multiplied by 4, 5, 7 5 35. एक काम कर लो, एक से सवा पेज छोड़ दो, फिर working note करते हैं हम. One page के आगे भी थोड़ा सा और पेज छोड़ दो. नहीं तुमको कितना टाइम, कितना पेज लगेगा? कल कितने लगे थे? 1.5 ना। हाँ तो मेरे हिसाब से भी 1.5 पेज छोड़ दो। 5 lines फॉर 1 जर्नल एंट्री, 5 to 6 lines। सो उसके बेसिस पर अगर हम काउंटिंग करें तो 7 एंट्रीज है। तो ये देखो बेटा, ये वर्किंग नोट में हम लिखेंगे परचेस फ्रॉम सैम, परचेसेस फ्रॉम सैम। बेटा जी ट्रांजेक्शन कितने की है? 40,000। बेटा हमेशा ध्यान में रखना, पहले ट्रेड डिस्काउंट ही लेस होता है। सबसे पहला काम ट्रेड डिस्काउंट को लेस करो, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ये ट्रांजैक्शन होती नहीं है। अम्मा लिख क्यों नहीं रही है तू? तू क्यों नहीं लिख रही है गधेड़ी? ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% कितना आएगा? 4,000। इट इज हाउ मच? 36,000। Appreciate this.
नाउ यू टेल मी सीजीएसटी और जीएसटी किसको किस पर लगेगा, 36 पर लगेगा या 40 पर? तुम बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो मैं लिखूंगा सीजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% बिलो और एसजीएसटी एट द रेट ऑफ 9% कितना रेट लू 3,240 एंड 32 ओके ऐड कर लो बेटा 42,480 बेटा जी कैन आई नॉट से दिस इज पेएबल टू सैम यस और नो नाउ आउट ऑफ दिस पेएबल टू सैम वी पेड पेड कैश 20,000 यस और नो एंड बैलेंस कितना रहेगा सो 42,480 माइनस 20,000 22,480 रुपए हमें पेएबल बाकी है सही यस बेटा जी इसकी दो तरीके से एंट्रीज हो सकती है तो अगर आपको इसके अलावा कोई एंट्री का विचार आए तो वो सही हो सकता है तो पहले मैं अभी आपको वो तरीका बताऊंगा जो मॉड्यूल कर रही है बट उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसका और एक तरीका हो सकता है एंट्री करने का स्वीकार है सो आर वी ऑल रेडी ये लिख लिया मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप ये बात अपने जहन में डाल दें एक जंगल का कानून होता है जिसके अंदर कार्निवरस और हार्बिवरस एनिमल बोथ आर देयर और वो कानून क्या है मैं सुनना चाहता हूं वो कानून क्या है कमर्शियल वर्ल्ड इज अ जंगल राज है घर में प्रेम मोहब्बत फैमिली घर में फैमिली की फिलोसॉफीज आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं चलती है आप मानो या मत मानो बट ये जिंदगी की हकीकत और सत्य है आप यहां पर आए हो हमारे यहां पर कोचिंग ले रहे हो पैसे देकर आए हो सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट फैमिली काइंड ऑफ स्टफ बिकॉज इट इज अ कमर्शियल ट्रांजेक्शन यस और नो सो एक जंगल का एक कानून होता है और वो जंगल राज चलता है कहां पर जंगल में कमर्शियल वर्ल्ड में यहां पर बिजनेस होता है इंसान जिस हदों को तोड़ चुका है उसके बेसिस पर आप समझ सकते हो कि बिजनेस ही चलता है यस और नो फैमिली की चीजों को यहां पर कभी भी कंपेयर मत करना आप गलत चीजों को कंपेयर कर रहे हो कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल होता है तो जंगल का कानून क्या होता है जंगल का कानून यह होता है कि अगर कोई हरिन का बच्चा है हरिन समझते हो आप डियर का बच्चा है हिरन हिरन का बच्चा है तो उसको उसकी मां क्या सिखाएगी फास्ट दौड़ या धीरे दौड़ यू हैव टू रन फास्ट बिकॉज इफ यू डोंट रन फास्ट देन मे बी द कार्निवरस एनिमल मे बी वुल्फ और अ लायन और अ चीता और अ टाइगर यू विल फॉल प्रे टू इट यस और नो और टाइगर के बच्चों को उसकी मां क्या सिखाती है यू हैव टू रन फास्टर देन द स्लोएस्ट डियर अदरवाइज यू विल स्टार्व टू डेथ नहीं तो तुम भूखे मर जाओगे और हरिन के बच्चे को बोला जाता है कि तू भाग फास्ट तेरे को खाना अवेलेबल है भगवान ने खाना फ्री में दिया है बट तेरे को फास्ट दौड़ना पड़ेगा जिंदा रहना है तो और इसको क्या बोला गया कि भाई साहब तू बहुत ज्यादा तेज दौड़ तुझे खाना डायरेक्टली नहीं मिला है तुझे कोई आके अटैक नहीं करेगा बट खाना फ्री में नहीं है और खाना खाने के लिए तुझे किसी को अटैक करना पड़ेगा दोनों को भगवान ने काम देकर भेजा है और दोनों की माएँ उनको यही सिखाती कि फास्ट दौड़ो इसके विपरीत आपको घर में सिखाया गया होगा कि बेटा धीरे कर स्लो कर इट्स ओके अपने क्लास में दो रूल्स होते हैं समझने का काम हम स्लो कर सकते हैं बट लिखने का काम आपको फास्ट करना चाहिए क्यों क्योंकि आपका अगर पेपर कंप्लीट नहीं होगा बताओ इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है हमारा कि हमें आ रहा था बट हम पेपर नहीं लिख पाए ये दुर्भाग्य है क्या नहीं है फिर अब आपको डींगे हाँकनी है तो हाँक लेना चार लोगों के सामने मुझे आ रहा था मम्मा बट मैं लिख नहीं पाया अरे येड़े उसकी प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेगी ना जो रफ्तार चाहिए वो रफ्तार चाहिए यस और नो और बेटा जी आपको बता देता हूं फाउंडेशन में ये आपका पहला साल है सीए का पहला साल है जीवन का तो आपको कुछ चीजों पर मेरे एक्सपीरियंस को ट्रस्ट करो आप यू डोंट गो बाय योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस योर्स आर इमेजिनेशंस माइन इज क्लोजर टू रियलिटी यस और नो सो ऑल आई विल जस्ट ट्राई टू टेल यू कि सीए में पेपर कंप्लीट नहीं होता है आपके सीनियर से पूछ लेना मतलब तुम फास्ट लिखते हो तो पेपर कंप्लीट नहीं होता है Do you realize what I'm saying?
यू विल राइट फास्ट टिल द पेपर वोंट गेट कंप्लीटेड. सो दैट इज द रीजन घर की जो फिलोसफीज आप सीख के आए हो स्लो, 11 12th की जो फिलोसफीज थे स्लो, वो हो गया वो टाइम. अब जिसमें जाने वाले हो ना आप, यहां पर इनको काम फास्ट चाहिए. दे विल गिव यू, दे विल प्रेशराइज यू. 100 में से 70 लोगों को ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते, प्रेशर डाला जाएगा आप पे. तो पहले है ना नियति को संभाल लो, अपने समझा दो कि सर प्रेशर तो आएगा. तो अभी कुछ कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आप फास्ट लिखते हो. मैं लिखूंगा जानबूझकर फास्ट, क्योंकि मैं फास्ट लिखूंगा तो आप मुझे देखकर फास्ट लिखने की कोशिश करोगे. तो आपको समझ में आ रहा, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मुझे कोई फास्ट भगाकर कंप्लीट करने की इच्छा नहीं है. बट अगर मैं आपका भला सोचता हूं तो मुझे क्या सिखाना चाहिए? आप भाई एग्जाम में हम जाके रोते रोते आएंगे, इतना पैसा लगाकर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तो क्या अभी अपने को फास्ट लिखना पड़ेगा? यस और नो? आशा करता हूं कि आप इस बात को समझेंगे. सो ये लिख चुके बेटा हम. सो मेरे रसगुल्ले बच्चों एंट्री नंबर 2 करेंगे, और एंट्री नंबर 2 आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट. बेटा परचेसेस अकाउंट डेबिट कितने का है? परचेसेस 36,000. डू यू ऑल एग्री? फिर हम लिखेंगे इनपुट CGST कितना आया था बेटा कैलकुलेशन में? 3240. फिर इनपुट SGST 3240. एग्रीड? और मेरे रसगुल्ले बच्चों फिर हम लिखेंगे 2 कैश अकाउंट. आप बता सकते हो मुझे कितना है? 20,000. अच्छा अगर आप चाहते तो इधर आप 2 सैम लिख सकते थे और सैम टू कैश कर सकते थे, मुझे कोई एतराज नहीं. दो एंट्री जो मैंने बताई ना ऑप्शन. सो 2 सैम लिखा और फिर सैम टू कैश लिखा, परफेक्ट आंसर. 2 कैश अभी लिखा तो भी सही है, और 2 क्या लिखेंगे? सैम अकाउंट 22,480 लिख दीजिए. बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम सैम अच्छा सर मत बोलो रसगुल्लो, भूख लग जाती है. येड़े रसगुल्ले से भूख मिटती है क्या? खाना खा, चपाती खा, चावल खा, फिर भूख नहीं लगेगी. ये कुरकुरे वाले बच्चे होते हैं, तुरतुरे. सुनते हो अभी मेरी बात? बहुत प्यारी बात कर रहा हूं अभी, ये आपको बात समझना पड़ेगा. सर जी आप इधर आएंगे प्लीज, आपका कैलकुलेटर लाएंगे. एक रेंदो बैठ जाओ, बैठ जाओ. किसी के पास बिल है? किसी चीज का बिल है किसी के पास? चेक करो, देख लो देख लो. देखो उसमें क्या क्या लिखा है. CGST GST कुछ लिखा है क्या? अंशिका क्वेश्चन कैसे दिखाऊं बेटा मैं, दोनों चीजें कैसे करूं? आप मॉड्यूल ओपन कर लो ना गुड़िया, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 8 है. अरे है क्या किसी का बिल है? हाँ जा फिर इधर आ जा. ये देखो एक खरबूजा आ रहा है अभी आपके सामने, इस खरबूजे ने कुछ खरीदा है और मैं अपेक्षा रखता हूं कि जो उसने खरीदा है मैं पढ़ पाऊंगा. सर मेरा नहीं, इसका बिल है. इसका बिल है? मेरे को पकड़ा के भेज दिया. कहाँ पकड़े? क्या खरीदे हो? पता नहीं सर, उसने खरीदा, उससे पूछा मैंने. स्टार बाजार से इस पोट्टे ने खरीदा है. कहाँ खरीदे हो बे? ठीक है कुछ खरीदा है, अभी समझ नहीं आ रहा क्या खरीदा, सब मिट मिट गया है. कहाँ खरीदे हो? ये बिल भी चुरा के लाया है. सो ये बिल है, इसके अंदर बेटा जी मैं आपको टैक्स की वैल्यू बता देता हूं. इसमें टैक्स है CGST 11.09 और 16.55, 11.09 और 16.55. सो टोटल भाई साहब ने टैक्स भरा है 28 रुपए के आसपास, CGST प्लस 28, तो टोटल 56 रुपए आपने इस पर टैक्स भरे है. आइडिया है आपको? 56 रुपीज ही हैज पेड टैक्स. जैसे कल पूजा मैम आई थी तब बता रही थी कि आप टैक्सेस भरते हो बिना आपकी जानकारी के. मतलब जब बच्चा पहली बार सेरेलैक खाता है या कोई दवाई खाता है कर या डॉक्टर उसको जब बाहर निकालता है और जब डॉक्टर की हम फीस देते हैं उसको, राइट, तो उस समय वो उनकी सर्विसेज पर लगाता है GST. जन्मने के साथ उसके ऊपर टैक्स लाद दिया जाता है.
तो बेटा जी मैं ये पूछ रहा हूं कि ये टैक्स का रिफंड मिलता है क्या? अच्छा, कहां से मिलेगा आपको रिफंड? मुझे भी बताओ, मैं भी जाता हूं, क्यों? फिर मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, फिर मैं जो खर्चे करूंगा उससे मैं सर्वाइव हो जाऊंगा। इसका टैक्स का रिफंड मिलता है आपको? अगर इसका रिफंड मिलेगा तो फिर गवर्नमेंट कलेक्ट ही क्यों कर रही? मतलब गेम चालू है क्या कि कलेक्ट कर वापस तुमको दे दो? नहीं, आपको समझना पड़ेगा, एक व्यक्ति इस टैक्स को बियर करता है। तो जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं मेरे बिजनेस के लिए बुक्स खरीदता हूं, ये बुक्स मैंने खरीदी, यस और नो? ये बुक्स मैंने खरीदी, मैंने इसके ऊपर जीएसटी भरा। तो फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मैं व्यवसाय करता हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, बेटा ध्यान से देख तू भी, मैं बिजनेस करता हूं, एग्रीड? और बिजनेस करता हूं, मैंने ये बुक बनाई 900 रुपीज में, प्लस 18% टैक्स। 900 का 18% टैक्स कितना हुआ? 162। और फिर मैंने इसको जोड़ा तो कितना है? 1062। ये मेरी परचेस हुई, ओके? ये मेरा इनपुट जीएसटी हुआ, एग्रीड? फिर मैंने इस बच्चे को सेल कर दिया। बच्चा तेरा नाम क्या है? विदित, TH, विदित। सो विदित को मैंने बेच दिया। अब मैं कितने में बेचूंगा? 900 का 900 में बेचूंगा, ज्यादा में? सो लेट्स अज्यूम दैट परचेस ना, सो आई सोल्ड फॉर हाउ मच? 1500, लेट्स अज्यूम सो। सो व्हेन आई हैव सोल्ड इट फॉर 1500, ऑन 1500 इनटू 18% ही आई हैव लेविड टैक्स 270। दिस इज माय आउटपुट टैक्स, यस और नो? एंड राजा बेटा जी, 1500 प्लस 270 इज हाउ मच? 1770 इज आई हैव टेकन द मनी फ्रॉम हिम। अब राजा बेटा जी, इसने मुझे इतना पे किया है, बेटा जी इसके लिए ये ड्रॉइंग्स है, एग्रीड? जीएसटी का कानून ये बोलता है कि अल्टीमेट कस्टमर को जीएसटी रिफंड नहीं मिलता है। और आप जो बोल रहे थे ना, मुझे भी जीएसटी पूरा रिफंड मिलता है, मुझे भी पूरा नहीं मिलता है। मुझे जीएसटी कितना रिफंड मिलेगा, मैंने भरना कितना है? जैसे इससे कलेक्ट किया मैंने कितना? 270। मैंने ऑलरेडी कितना भर दिया? 162। सो 270 माइनस 162 कितना? आई विल पे 108। फॉरगेट अबाउट दैट, यू आर नॉट कंसर्न अबाउट सेट ऑफ एंड ऑल। बट बेटा जी, ये जो व्यक्ति करेगा ना एंट्री, ये एंट्री ऐसे नहीं करेगा परचेसेस जीएसटी सीजीएसटी, नो, इसके लिए परचेसेस नहीं, इसके लिए क्या है? ये ड्रॉइंग्स। सो ये एंट्री करेगा ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स में जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता है। तो हम क्या करेंगे? टू कैश एंड हिल से 1770, क्योंकि ये टैक्स इसी को भरना है। इसने बियर कर लिया, इसने 1770 दे दिया, अब ये किसी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकता है। एज अ बिजनेसमैन मैं उसको सेट ऑफ कर सकता था, बट इसको सेट ऑफ करने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि व्यवसाय नहीं कर रहा है, यस और नो? सेट ऑफ कब होता है? जब इनपुट है और आउटपुट है। इसका तो क्या है? इनपुट ही है ना सिर्फ। उदाहरण के तौर पर, आपने कभी घर बनाया? घर बनाया कि नहीं बनाया? बनाओगे आप फ्यूचर में? तब घर बनाओगे, तब आप क्या खरीदोगे? सीमेंट। और सीमेंट खरीद के आप क्या करोगे? उसको कंस्ट्रक्शन में यूज करोगे। अब मुझे बताओ, आपके लिए सीमेंट के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा, बट आप घर अपने पर्सनल पर्पज के लिए बना रहे हो ना? पर्सनल पर्पज की चीजों पर कोई जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता है, तो इसीलिए वहां पर डायरेक्टली एंट्री आएगी ड्रॉइंग्स टू कैश। से यस और नो? प्लीज फील करने की कोशिश करो। जितनी भी चीजें आज तक आपने खरीदी है, आपका कोई व्यवसाय नहीं है, तो आपकी जितनी भी चीजें है वो पर्सनल पर्पज के लिए, यस और नो? उसके ऊपर कोई जीएसटी का क्रेडिट नहीं है। मतलब गवर्नमेंट क्या बोलने की कोशिश कर रही है? अल्टीमेटली जीएसटी कौन बियर करेगा? कस्टमर। तो जब आप ड्रॉइंग्स करते हो, तो आप क्या बन जाते हो? कंज्यूमर। आप धंधे के लिए नहीं खरीद रहे हो, जब आप ड्रॉइंग्स करते हो तब आप अल्टीमेट कंज्यूमर बन जाते हो। कंज्यूमर के लिए कोई जीएसटी का क्रेडिट नहीं है, और अगर ऐसा क्रेडिट लिया गया तो तुम्हारी जगह होगी सलाखों के पीछे। समझे? ये मैं नहीं बता रहा हूं, कौन बताता है? लॉ। समझे? बैठो। ए रसगुल्ले बच्चों, मुझे नहीं समझा। अगर आप आपके पर्सनल पर्पज के लिए खर्चा करोगे, तो उस पर जीएसटी तो भरना पड़ेगा, बट क्या आप उसका क्रेडिट ले पाओगे क्या? नहीं। अगर क्रेडिट नहीं ले पाओगे, तो उसको इनपुट और सीजीएसटी ये शब्द यूज नहीं कर पाओगे। से यस। सो रसगुल्ले बच्चों, चलो हम एंट्री पढ़ते हैं थर्ड वाली।
आर वी रेडी? गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सच गुड्स वर परचेस्ड बाय पेइंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%। ए राजा बेटा जी, ओके, प्लीज टेल मी व्हाट इज द अमाउंट? 20,000 है, 20,000 इंटू हाउ मच परसेंटेज? 9%, और दोनों 9% ऐड करने के बाद में कितना हो जाएगा? 23,600। सो बेटा जी, क्या आप मेरे साथ एंट्री कर सकते हैं क्या? पूरी क्लास का ध्यान इधर बेटा, प्लीज समझना। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। ड्राइंग अगर परचेस कर रहे हैं तो बात अलग है, ड्राइंग बिजनेस में जो गुड्स आ गए वो कर रहे तो बात अलग है। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मतलब ये बात तो तय है कि ड्राइंग्स पर जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलता, ये क्लियर हुआ? तो एक देखो, मैं एक बंदे से परचेस कर रहा हूं गुड्स, आप आएंगे कुछ लेके आना गुड्स? उठ उठ उठ, जल्दी उठ जाए, जल्दी उठ जाए, एक जना हो गई तो आ जाओ। तेरा नाम क्या पुट्टे? ये तनिष्क है, तनिष्क मुझे बेचना, तनिष्क मुझे कुछ गुड्स बेचा, दिख गए सबको? ये मेरे परचेसेस नहीं है, क्या है? ड्रॉइंग्स। मैंने आपको क्या समझाया? इसके ऊपर कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो जब मैं परचेस करूंगा तब एंट्री क्या है? जरा फील करना। परचेसेस टू कैश, एक बार बोलो एंट्री। आई एम सॉरी, मैंने गलती कर दी। मैं थोड़ा सा क्या गलती हो गई, मैं क्या बोलूंगा? ड्रॉइंग्स टू कैश। क्या मैं कोई भी जीएसटी का शब्द प्रयोग करूंगा? नहीं, क्योंकि जब हम पर्सनल पर्पज के लिए कर रहे हैं तो उसमें जीएसटी का कोई क्रेडिट नहीं ले सकते। दे दो भाई ये ड्रॉइंग्स, और मैंने इनको दिया कैश, तो क्या एंट्री हो गई? ड्रॉइंग्स टू कैश। आपने इस पर जीएसटी लगाई? यस। क्यों नहीं लगाएगा? लगाएगा ना। तो ये बेचेगा तो ये जीएसटी लगाएगा कि नहीं लगाएगा? इसने जीएसटी लगाई, बट मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं ले सकता, मेरी एंट्री क्या है? ड्रॉइंग्स टू कैश। एक बार एंट्री करके बताओ। हाँ, बात माल बेचो, मैंने पर्सनल पर्पज के लिए लिया। माथेरान का मतलब पता है क्या? मराठी बैकग्राउंड है, कौन सा बैकग्राउंड तेरा? हाँ, मराठी कर देगा, डोका रान झाला है, माथे रान येड्या वाळवंटात आहे का? समझो अभी वापिस से ध्यान से। ये मुझे बेचेगा और मेरा कौन सा है? पर्सनल यूज। तो एंट्री क्या हो जाएगी? ड्रॉइंग्स टू कैश। अप्रिशिएट दिस। अभी दूसरा देख लो, वापिस से बेचेगा बट मैं मेरे बिजनेस के लिए खरीदूंगा, तब एंट्री क्या होगी? परचेसेस सीजीएसटी एसजीएसटी टू कैश। फर्क समझ में? मतलब परचेस पर्सनल यूज के लिए तो सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं अकाउंट वर्क कर सकते, बट अगर परचेसेस किसके लिए है? बिजनेस के लिए, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट वर्क होगा। अब जरा ध्यान से सुनो, ये दो दो परचेस किया तो मैंने एंट्री क्या कर दी? मैं एंट्री क्या करूंगा? परचेसेस, ओके, कैन आई से 20,000? फिर मैं क्या करूंगा? सीजीएसटी एसजीएसटी टू कैश। ये मैंने परचेस किया था, एग्रीड? सो 20,000 इंटू 9% कितना आएगा? 1800, और फिर ये 1800, और फिर ये आ जाएगा 23,600। ठीक है, अब एक काम करते, एक पापा की परी, गुड़िया दे राजा बेटा, एक पापा की परी, शी इज माय रिलेटिव, ओके, शी इज माय रिलेटिव, और फिर क्या बोलते, एक और करना, सो शी इज माय रिलेटिव, और वो क्या बोलेगी कि सर मुझे ये गुड्स पसंद आ गए, मुझे दे दो, मुझे बताओ मैं इसको कैश पे कर दूंगा या फ्री में दूंगा? शी इज माय रिलेटिव, ओके, फ्री में दूंगा, ये मैंने इसको फ्री में दे दिया, बट ये मेरे इधर कहां बुक हो गया था? एक थप्पड़ लगाऊंगा, देखो एंट्री कहां पे बुक हो गया था? परचेसेस, और क्या मैंने परचेसेस था? क्योंकि इससे जब बाय किया था तब मुझे थोड़ी ना पता था नलायक आएगी और बोलेगी मुझे अच्छा लगा मैं लेके जा रही हूं बोलकर, मुझे पता था ये नहीं, इसको भी नहीं पता था इनफैक्ट। तो मैं क्या बता रहा हूं कि जब मैंने बाय किया तो लेजिटमेट बिजनेस के लिए बाय किया था, बट ये आई और ये क्या कर गई, बोल रही मुझे कि मुझे ये गुड्स पसंद आया मैं लेके जा रही हूं। आप मुझे बताओ कि जब ड्रॉइंग्स हुआ कि नहीं हुआ? ये
तो बेटा जी क्या हम जीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट ले सकते हैं क्या? नहीं। तो बेटा जी इस केस में मुझे एंट्री करनी पड़ेगी ड्रॉइंग्स टू परचेसेस टू सीजीएसटी टू एसजीएसटी, समझे कि नहीं? सो ये आएगा 23,600, ये आएगा 20,000, ये आएगा 1800 और ये आएगा 1800। अब कुछ कमी नहीं, बच्चे बोलेंगे सर पल आपने तो बोला था कि ड्रॉइंग्स में सीजीएसटी की एंट्री नहीं करते। बराबर है, ये देखो फील करो, ये पकड़ बे, ए अभी तो ध्यान दे, मैं बॉल घुमाने वाला हूं और तेरे को पूछने वाला हूं पहले हिप्पोपोटामस। मैं आपको बोल रहा हूं इससे परचेस किया ड्रॉइंग्स के रूप में, एंट्री किया ड्रॉइंग्स टू कैश। जब हम डायरेक्टली ड्रॉइंग्स के लिए ही परचेस कर रहे हैं तो भसड़ मिट गई, डायरेक्टली हमने इसको ड्रॉइंग्स में डाल दिया और उसको कैश पे कर दिया। दूसरा, हमने परचेस किया फॉर बिजनेस, तो हम एंट्री क्या करेंगे? परचेसेस सीजीएसटी एसजीएसटी टू कैश। अब ये अगर मैं धंधे में यूज कर लू तो कोई वादा नहीं है, फिर ये आती है कोई तो और गदड़ी क्या बोलती है, मेरे को पसंद आया तो अब मैं इसको दे दूंगा, तो अब ये क्या बन गया? ड्रॉइंग्स अगर हुआ तो सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट ले सकते क्या हम? नहीं, इनपुट क्रेडिट हुआ, इनपुट माने क्रेडिट लेने वाले हम। तो जब मैंने इनको दे दिया तो राजा बेटा जी ये हो गया ड्रॉइंग्स। तो जो कुछ भी परचेस करते हो, हमें आइडिया नहीं था ना कि हमें किसी को देना पड़ेगा, तो जो भी सीजीएसटी या एसजीएसटी है उसको रिवर्स करना पड़ता है। क्या शब्द यूज किया? रिवर्स करना पड़ता है। क्या आप पूरी क्लास को क्लियर हुआ? तो अगर कैश देकर परचेस करेंगे तो डायरेक्टली एंट्री ड्रॉइंग्स टू कैश, नो प्रॉब्लम। बट पहले परचेस हो गया तो आपने क्रेडिट ले लिया था, हाँ या ना? तो अब इस क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। पॉइंट क्लियर है पूरी क्लास को? वंडरफुल। सो शैल वी राइट इट डाउन? यस, थैंक यू सो मच। जाओ, नहीं तुम्हारे लेके जाओ। श्री राम जन की। ओ भाई कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड है क्या? yes, बेटा थर्ड क्वेश्चन को एक बार जरा शांति से पढ़ो, क्या लिखा है? गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, अंडरलाइन द वर्ड विड्रॉन। ये गुड्स कॉस्टिंग 20,000 वाज नॉट परचेस्ड बोला है, विड्रॉन बोला है। मतलब पहले इसकी एंट्री क्या बुक हो गई होगी? परचेसेस की हो गई होगी पहले परचेस। अब हम क्या करें उस परचेसेस को? रिवर्स। तो परचेस हुआ होगा तो जीएसटी और सीजीएसटी की भी एंट्री हो गई होगी, हाँ या ना? तो मेरा रसगुल्ला बच्चा बोलेगा एक स्माइल के साथ ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस टू व्हाट? सीजीएसटी टू एसजीएसटी, और ड्रॉइंग्स का अमाउंट आएगा 23,600, परचेसेस का आएगा 20,000 और ये आएगा 1800 ना बेटा, 1800 एंड 1800। ओ मम्मी बीइंग, हाँ कौन सी आवाज आई है? थोड़ी सी कुछ कॉम्प्लिकेटेड लगी। बीइंग परचेस्ड गुड्स, ये क्या बोलते हैं? बीइंग विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, बीइंग विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज एंड हेंस व्हाट? एंड हेंस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिवर्स्ड, एंड हेंस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिवर्स्ड। दो मिनट, बीइंग विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तू लिख क्यों नहीं रहा? मैं नरेशन बोल रहा हूं अभी, इडियट डम्ब। बीइंग विड्रॉन गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ओके, एंड हेंस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रिवर्स्ड। जब नहीं लिखते ना तो ऐसे कांड करते हैं, कंप्लीट होने के पहले क्वेरी चालू हो जाती है, अभी लिखता ना तो इधर नहीं आता, इडियट। हो गया? ओके, हाँ भाई अब बोल क्वेरी क्या है? हाँ टू इनपुट जीएसटी लिख दे, इतनी सी बात की प्रॉब्लम है ना, ये लिख दे। ए इधर आगे इनपुट लिखने का चाह रहा है ये बच्चा, लिख दे भाई। सर हम कैसे लिखेंगे? अब लिख दो टू ही कर ऊपर इनपुट जीएसटी इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। ए पिंटिया अगला क्वेश्चन कौन सा है? पेड रेंट टू गगनदीप फॉर 20,000 प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% ईच, अंडरलाइन द वर्ड 6% ईच। सो बेटा जी मुझे बताओ रेंट पर
सर सैम की जगह बिल्स पेबल आना चाहिए यार। काना कहां पढ़े हो यार, थोड़ा वापस से चालू करो पढ़ना। आई एम सॉरी बट तुम्हारे मतलब लॉजिक्स बहुत ही कहीं ऊपर नीचे चले गए। पेड रेंट टू गगनदीप फॉर 20,000। सो बेटा जी रेंट आपका इनकम है कि एक्सपेंस है इधर? सो हम कहां एंट्री करेंगे बे? रेंट अकाउंट डेबिट का। कितना है रेंट? 20,000। इस पर भी मिलेगा इंपोर्ट सीजीएसटी। अच्छा मुझे बताओ घर का रेंट भरते तो? घर का रेंट भरते, वाह वाह कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे। उसमें इनपुट जीएसटी इनपुट एसजीएसटी कुछ आता? जब ड्राइंग्स के लिए कुछ भी करेंगे तो उसमें क्रेडिट नहीं मिलता है, अप्रिशिएट दिस। तो उसकी एंट्री होती रेंट टू कैश, वो पूरा का पूरा खर्चा माना जाता, समझे? फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे पर्सनल घर के लिए अगर रेंट भरूंगा और उसने मुझ पर जीएसटी लगाया तो मेरी एंट्री क्या होगी? रेंट टू कैश। फॉर एग्जाम्पल कहीं मैं बाहर घूमने जाऊंगा, कोई होटल रेंट पर लूंगा, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, तो उसकी एंट्री होगी ड्राइंग्स टू कैश, उसमें कोई 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 जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो ड्राइंग्स पर कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता है। ये ब्रेकअप कब कर सकते हैं? अगर बिजनेस के एक्सपेंस हुए तो ही सिर्फ। से यस, आपको कुछ और चीजें बता देता हूं, ये आपको हालांकि पूजा मैम पढ़ाएंगी। आप पेट्रोल भराते हो? पेट्रोल पर अभी वैट लगता है। सो कुछ ऐसे सामान होते हैं जिसका गवर्नमेंट ने बोला है कि इसका क्रेडिट नहीं ले सकते आप जीएसटी का। किसका क्रेडिट नहीं ले सकते? जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते। जैसे अगर आप मान लो कार खरीद रहे हो तो कार का भी जीएसटी क्रेडिट हर व्यक्ति नहीं ले सकता। क्या समझ में आ रही क्या बात है? भले ही व्यवसाय के लिए खरीदो, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका क्रेडिट लेना गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। और ये आप कब सीखोगे? जब आप इंटरमीडिएट में आओगे तब, किसका क्रेडिट अलाउड है किसका नहीं है। अभी के लिए अगर आप इतना भी समझ लो तो काफी है कि भाई साहब ड्राइंग्स के ऊपर क्रेडिट नहीं ले सकते। इसका मतलब जीएसटी का ब्रेकअप मत दो, डायरेक्टली एंट्री कर दो ड्राइंग्स टू कैश। हैप्पी? ओके। सो रेंट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू क्या करेंगे? टू कैश। ट्वेंटी थाउजेंड इंटू सिक्स परसेंट बेटा 1200 और ये कितना आ जाएगा? 22,400। अच्छा इसमें मॉड्यूल ने क्या किया है? इसमें मॉड्यूल ने क्या किया? अरे बच्चों मैं बोल चुका हूं ना कि आपको क्वेश्चन मॉड्यूल से देख सकते हो बेटा। अभी क्वेश्चन और ये दोनों नहीं दिखा पाऊंगा मैं कैसे दिखा पाऊंगा? क्वेश्चन शुरुआत में बात कर ली ना, अभी क्वेश्चन इधर है, मैं इधर इधर ऐसे मूव नहीं कर सकता बेटा, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है मेरी। लिखिए बीइंग पेड रेंट एंड अकाउंटेड फॉर जीएसटी। इसी आनंद भंगरे के नाम से कौन आ गया? कमाल करते हो यार तुम। अच्छा सुन रहे हो क्या डार्लिंग? ये यहां पर बात ये चल रही थी कि मॉड्यूल में इधर गगनदीप लिखा है, टू कैश की जगह पे क्या लिखा है? टू गगनदीप। अब बेटा ये बात समझ जाना, ड्यू कर पे कर रहे तो गगनदीप आएगा, हम डायरेक्टली पे कर रहे ये अज्यूम करें तो टू कैश। दोनों ही एंट्री सही है। अगर पहली एंट्री ऐसी हो गई रेंट सीजीएसटी एसजीएसटी टू गगनदीप, फिर गगनदीप टू क्या होनी चाहिए? कैश। समझे कि नहीं? सो गगनदीप भी ठीक है बट हम गगनदीप नहीं लिख रहे क्योंकि डायरेक्टली बोला है कि पेड है। और हमने ये जो सीखा है हम वही करेंगे कि अगर पर्सनल अकाउंट का नाम है और वर्ड आया पेड तो हम पर्सनल अकाउंट यूज नहीं करते, तो उसमें चिड़चिड़ नहीं करना। आपका भी आंसर सही है और वो जो लिख रहे वो भी ठीक है। अच्छा फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन पढ़ते बेटा, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, हाईलाइट द वर्ड बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, रिटर्न टू सैम such goods were purchased by paying CGST and SGST at 9% each। तो बेटा मैं पहले कुछ क्वेश्चंस आपको समझाने के पहले आपको एक कॉमन सेंस का लॉजिक पूछूंगा, ठीक है? कॉमन सेंस अप्लाई करोगे कि कुछ भी ऐसा ही? कॉमन सेंस मैं आपको बोल रहा हूं, सपोज तुम सैम से माल बाय कर रहे थे, एमआरपी थी 40,000, ठीक है? वेरी गुड बेटा, कीप अप द गुड वर्क। एमआरपी कितनी थी बेटू? 40,000।
फिर हमने क्या किया उसमें से लेस किया ट्रेड डिस्काउंट कितना बेटा 4000 एट द रेट ऑफ 10% 36,000 बेटा अभी मान लो जीएसटी है नहीं तुम छोटे बच्चे ही हो अभी तक सो हमने पे कितना किया कैन आई आस्क दिस इंटेलिजेंट क्लास वन क्वेश्चन तुम सैम को कितने रुपए पे करोगे सैम को कितने रुपए पे करोगे क्यूट क्यूट बच्चे बराबर ना अब तुम सैम को बोल रहे अबे माल पसंद नहीं है साले कैसे गंदा माल है तुमने जाके वो वापस उसको दिया सैम तुमको कितने देगा 40,000 या 36,000 ये कॉमन सेंस है अब इसको इंग्लिश में बोलता हूं ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ परचेस एट द टाइम ऑफ सेल एट द टाइम ऑफ परचेस रिटर्न एट द टाइम ऑफ सेल्स रिटर्न कहीं पर भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता तुम बोलेंगे अभी ट्रेड डिस्काउंट नो अभी भी कैसे रिकॉर्ड होगा यस और नो अब मुझे बताओ कि परचेस रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है कौन सा क्रेडिट कितने प्यारे प्यारे बच्चों अगर मैं सैम को रिटर्न करूंगा गुड्स तो मुझे क्या करना पड़ेगा सैम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न टू इनपुट जीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी क्यों क्योंकि बेटा जी जब परचेस किया था तब जीएसटी बुक कर लिया होगा तो अब अगर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो बेटा जी क्या जीएसटी को भी रिवर्स करना पड़ेगा क्या नहीं यस से यस सो लेट्स राइट डाउन द नेक्स्ट एंट्री पिल्लुड़िया फोर्थ के बाद फिफ्थ सो राजा बेटा जी इसको कैसा करते हैं मैं बताता हूं सैम अकाउंट बाद में लिखेंगे बेटा सैम अकाउंट बाद में लिखेंगे चलेगा पहले पूरी क्लास का ध्यान इधर टू मैंने बोला परचेस रिटर्न इन द ब्रैकेट बेटा जी मैं लिखूंगा बेटा जी ट्रेड डिस्काउंट के पहले की अमाउंट कितनी थी 5000 ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10% तो बेटा जी लेस कर 4500 लिखूं क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड ओके सो मेरा परचेस रिटर्न इज नॉट ऑफ 5000 क्योंकि 5000 की तो ट्रांजेक्शन ही नहीं हुई थी कितने की हुई थी 4500 तो जितनी की ट्रांजेक्शन हुई उतनी रिवर्स होगी टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी बेटा जी कितना आएगा 4500 व्हाट इज द रेट नहीं रेट कितना है 9% है कितना आएगा 405 एंड हाउ मच बिटू 405 सो नाउ फाइव थ्री वन जीरो बेटा ओके बीइंग अभी आप लिख लो बेटा जी एंट्री Being written goods to Sam. And GST reversed. Are we ready? Yes, sir. Okay. Go ahead, beta ji, and read the next transaction. Purchase furniture for 44,800, including IGST, 12%. Beta, मैं आपसे पूछता हूँ, ये कहीं पर भी बोला है purchased furniture for personal purpose or for सिर्फ बोला है furniture? सिर्फ furniture बोला है, तो ये कौन से transaction है? Business. So, beta ji, हमारी entry क्या होगी sixth वाली? Furniture account debit. बेटा अभी इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी बोलू या इनपुट आईजीएसटी बोलू क्योंकि आईजीएसटी है ना सो मैं बोलूंगा इनपुट आईजीएसटी एट द रेट ऑफ फर्नीचर कितने का बेटा 44,800 वाह वाह इंक्लूडिंग आईजीएसटी तो बेटा जी अब हमको आईजीएसटी निकालना है कितना है पूरी क्लास का ध्यान इधर बेटा मुझे एक बात बताओ बेटा अभी कोई नाटक नहीं करेगा पूरी क्लास का ध्यान इधर बहुत कॉमन सेंस से लॉजिक समझाऊंगा और बच्चों ने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया वहां पर वर्ड क्या है इंक्लूडिंग ठीक है मुझे एक बात बताओ सुंदर टीचर थी तुम्हारी बचपन में वो क्या बोलती थी परसेंटेज माने क्या बेसिक्स में जाओ परसेंटेज का मतलब क्या दैट मीन्स इट इज आउट ऑफ 100 व्हाट इज परसेंटेज आउट ऑफ 100
तुम्हारे डॉन क्या सिखाएंगे तुमको, परसेंटेज बोले तो क्या, 10% आउट ऑफ 100, 10, 20% आउट ऑफ 100, 10। तो बेटा जी परसेंटेज इज ऑलवेज आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब यह हुआ यहां पर हमें परसेंटेज दिया हुआ है तो कुछ तो 100 रहेगा, परसेंटेज दिया है ना, कुछ तो चीज 100 रहेगा। ये पुट्टा बोल रहा है एक्स, नो, यहां पर रहेगा फर्नीचर 100। फर्नीचर की जो कॉस्ट रहेगी, परचेस की जो कॉस्ट रहेगी वो 100 होगी। तो बेटा जी हम बोलेंगे फर्नीचर अगर 100 है तो आईजीएसटी कितना है, 12। से यस। सो बेटा जी मैं बोलूंगा इंक्लूडिंग आईजीएसटी कितना है, 112। आप बेटा जी मुझे एक बात बताइए, आपके क्वेश्चन में आपको इंक्लूडिंग आईजीएसटी बोला है क्या? Yes. कितना बोला है? 44,800। अगर मुझे उसको खड़ा करना है तो मैं पॉइंट नंबर 1 के नीचे खड़ा करूं, 2 के नीचे खड़ा करूं या 3 के नीचे खड़ा करूं? 3 के, क्योंकि इंक्लूडिंग जीएसटी वाली प्राइस है। तो कितना बोलूंगा, 44। अब आपको क्या चाहिए, आप मांगिए वरदान, क्या चाहिए आपको? जीएसटी चाहिए, आईजीएसटी चाहिए आपको। ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये फिगर आ जाएगा। अब बेटा जी कमीनो ये इतना मैथ्स आना चाहिए, लो कैलकुलेटर पर 44,800, कैलकुलेटर वापरा, 44,800 इंटू 12 डिवाइड बाय 112। ये समझ में आया क्या? 44,800 इंटू 12 डिवाइड बाय 112 कितना अमाउंट आ रहा बेटा? सो कैन आई नॉट से 4,800? एप्रिशिएट दिस। नाउ नेक्स्ट, 44,800 में से 4,800 माइनस कर देंगे तो कितना अमाउंट मिल जाएगा? सो मैं मेरे रसगुल्ले बच्चों को एक प्रश्न पूछ सकता हूं, हमारा फर्नीचर कितने का है, हमारा आईजीएसटी कितना है? तो हमारा इंक्लूडिंग आईजीएसटी कितना है? 44,800। आप एक बार ये लिख कर ले लीजिए वर्किंग नोट में आपके पास। सो परसेंटेज का जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम क्या समझेंगे, इट इज आउट ऑफ 100, एंड वेन एवर एनीथिंग इज आउट ऑफ 100 समथिंग हैज टू बी 100। तो जिसका परसेंटेज दिया जाए वो 100 है। तो हमारा परसेंटेज किसका दिया जाता है, जो फर्नीचर की कॉस्ट है उसका परसेंटेज है वो। तो हम फर्नीचर को पकड़ेंगे 100 एंड देन विल डू ऑल दिस थिंग्स। ऑनलाइन वाले बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। सी आनंद भांगरिया बोल रहे, हां बेटा, भाई साहब गजब हो यार, तुम गजब हो, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि कोई मेरा नाम यूज कर रहा है। आपको नाम दिया रहता है फिर भी नाम यूज कर रहे तो अच्छा है ना यार, लेजिटिमेट नाम यूज करे तो ठीक रहता है। आर वी ऑल डन? सर जब ड्राइंग कर रहे हैं तो जीएसटी क्यों लिख रहे हैं 20,000 वाले में? बेटा मैंने समझाया, ड्राइंग्स अगर परचेसेस का हुआ तो जो परचेसेस को बुक करते हो ड्राइंग्स, परचेसेस को बुक करते हो जो जीएसटी रिकॉर्ड किया था वो भी क्या होगा, रिवर्स। डू यू ऑल अप्रिशिएट दिस? और अगर डायरेक्टली ड्राइंग्स करेंगे तो ड्राइंग्स टू कैश। हाँ भी बता दो मुझे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट बेटा 40,000 बोलूं और इनपुट आईजीएसटी कैन आई नॉट से 4,800 और किससे बाय किया है? बताया नहीं, टू कैश बोलो 44,800 बीइंग परचेस्ड फर्नीचर पेइंग आईजीएसटी। ए भाई माइक रेडी कर, माइक रेडी कर, अभी एंट्री पूछेंगे इनको। शिमड़िया। नाउ नेक्स्ट, अगली वाली एंट्री आप करेंगे, सेवेंथ वाली एंट्री आप करेंगे, ये वाली किधर है, सेवेंथ वाली, परचेस्ड मशी फ्रॉम सिंफनी इंडस्ट्रीज 1,40,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच, पेड 1,00,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 मंथ्स। मेरे को आता नहीं है एंट्री,
गोविंदा 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 हाँ भाई क्या एंट्री आई बेटू तुमने मशीनरी अकाउंट डेबिट बोल दिया मेरा दिल जीत लिया मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना आएगा यू मीन 140,000 ओके फिर इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी सो इनपुट सीजीएसटी कितना है बेटा 12,600 नौ टक्का है बेटा 12,600 टू कैश 1,00,000 टू क्या करेंगे टू मेसर्स सिंपनी कितना बेटा 65,200 एग्रीड यस बीइंग परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम सिंपनी एंड अकाउंटेड फॉर जीएसटी इज दैट ओके नाउ डियर स्टूडेंट्स यू आर ऑल रिक्वेस्टेड टू राइट डाउन दिस क्वेश्चन एज रिवाइज बिफोर एग्जाम रिवाइज बिफोर एग्जाम भाई गाना बजा तुम एंट्रीज रिवाइज कर लो तब तक जब तक ये गाने का प्रबंध कर दे गाना मैं लगाऊं क्या हाँ भोजपुरी मैं को लगाना था गाना मेरे को गाना लगाना था कमीने को आज तो इसको पूछूंगा पहले खुश हो जा बेटा ऐसा फेंका ना तेरे को फेंक दूंगा एड़े ये एक बच्चे को पकड़ लिया मैंने इट्स 1:12 PM टू हियर द नोटिफिकेशन फॉलो द नोटिफिकेशन ऑन योर फोन टू टर्न ऑन नोटिफिकेशन एक्सेस कौन है भाई कौन है कौन है कौन है ए भाई खड़ा हो जा कौन है कौन है मुझे क्यों नहीं दिख रहा है पिलर के उधर भी बैठते क्या कोई ओ और कौन है इधर ये भाई पहला तेरा फेवरेट कलर बता दे छोरी हाँ येलो को तो नहीं पूछूंगा मैं ब्लैक को पूछूंगा पहले इस कमीने को पूछूंगा क्योंकि मुझे मुझे गाना लगाना था इसने लगाने नहीं दिया हाँ और फिर उसके बाद मैं तेरे को भी पूछूंगा और तेरे को भी पूछूंगा पहले मुझे बता ड्रॉइंग्स पर जीएसटी भरा है उसकी एंट्री बता दे ड्रॉइंग्स पर जीएसटी भरा उसकी एंट्री बता दे सर ड्रॉइंग्स डायरेक्टली लिया है या पेड पेड ड्रॉइंग्स के लिए पेड ड्रॉइंग्स टू कैश क्या बात है माइक उधर ले जा रहे पीछे जल्दी से संतोष भाग जल्दी से साले एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता है गधेड़ा हाँ छोरी तू मुझे बता कि परचेज गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज परचेज गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज कोशिश कर बेटा आ जाएगा सच में नहीं आ रहा क्या आ नहीं रहा है एक थप्पड़ लगाओ ना नाटक ना को कर मेरे पास वापिस से रिवाइज करो और उसको दे तब तक मोबाइल ए मोबाइल क्या माइक लाड़ी जी ने कहा नहीं जा लड़की तो हंस रही है साली नालायक रटा दिया हाँ बोल बेटा सेम एंट्री हाँ बेटा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट इनपुट एसजीएसटी अकाउंट वेरी गुड कैन वी क्लैप फॉर हर अब एक प्रॉब्लम हो गई बेटा इसने वो आंसर दे दिया इसलिए अब तेरे को क्वेश्चन दूसरा आएगा यस माइक दे भाई माइक दे इसको गुड गुड बिटू बेटा परचेस्ड फर्नीचर आईजीएसटी पेड परचेस्ड फर्नीचर आईजीएसटी पेड एंट्री बोल गुड़िया
ले, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। जोर से माइक पे बोल। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सुन रहा हूँ मैं। आर यू फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ यू नॉट गोइंग टू स्टडी इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बेटर। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। इफ यू थिंक द थिंग्स आर गोइंग टू गेट नॉर्मल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दे आर नॉट गोइंग टू गेट नॉर्मल। यू विल हैव टू वर्क। आई एम सॉरी टू से दिस बट देन दिस इज द फैक्ट। ये दूसरा साइंस बैकग्राउंड बच्चा कौन है? तू भी साइंस है ना? इधर साइंस बैकग्राउंड बच्चा और कौन है? हाँ दे भाई उसको माइक दे। ए और कौन कौन साइंस बैकग्राउंड? हाथ तो ऊपर करो बे कमीनो। हाँ ठीक है, गुड, लव यू ब्रो। हाँ भाई, परचेस्ड फर्नीचर आईजीएसटी पेड, एंट्री बोलो। परचेस अकाउंट आईजीएसटी अकाउंट टू कैश अकाउंट। ओके, तुम्हें लगता है इसमें कुछ मिस्टेक हुई है? सॉरी, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट टू कैश अकाउंट। वेरी गुड, पीछे दे साइंस वाले को। बेटा पहली बात इसने ट्राई किया, लर्न दैट, सिट बेटा, थैंक यू। हाँ अभी मेरे को एक बात बताओ, परचेस गुड्स सीजीएसटी 9%, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%, एंट्री बताओ। परचेस गुड्स फॉर कैश, ट्राई कर शांत। कोई गाई नहीं करेगा। परचेस गुड्स फॉर कैश सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9%, एंट्री करो। परचेस डेबिट। अच्छा मैं जैसे ट्रेन कर रहा हूं ऐसे जा, परचेस को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। परचेस के साथ क्या आता है? इनपुट आता है क्या? आउटपुट? इनपुट। अच्छा जहां जहां परचेस रहेगा वहीं वहीं इनपुट रहेगा। अब एंट्री करो। माइक इसको दे, साइंस बैकग्राउंड को। हंसता गया वे कमी नहीं साले, एक तो इतना हेल्प कर रहा हूं मैं। हाँ भाई बोल। हाँ वही एंट्री। नहीं माइक पर बोल। जीएसटी है। तू मजाक करा ना, मैं बजा देगा, फोड़ डालेगा, तू मेरे को अभी जानता नहीं है। हाँ परचेस डेबिट अकाउंट टू सीजीएसटी एसजीएसटी टू क्या? नहीं इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और टू कैश। गुड, अबे नलायक बराबर से फॉर्मेट बताया कर, टू बोला ना इधर, हम क्रेडिट समझते हेड़े, तेरे लिए टू का फर्क नहीं पड़ रहा, हमको पड़ रहा है। और कौन है उधर साइंस बैकग्राउंड? हाँ दे बेटा, गुड। हाँ राजा, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम सैम ऑन क्रेडिट सीजीएसटी एसजीएसटी। परचेस डेबिट अकाउंट, हाँ, टू सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू कैश टू सैम। दूसरे अटेम्प्ट में पास हो गए क्या? ठीक है, कैन वी क्लैप फॉर दिस गाइस? ठीक है, जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं अभी, आज आपको एक बात बता दूं, डर होना ठीक है, डर इज रिलेटेड टू टू थिंग्स, फ्यूचर एंड पास्ट। इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू फ्यूचर एंड पास्ट, बट इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू समथिंग, यू डोंट वॉन्ट टू ट्राई, यू डोंट कॉल इट एज अ फियर, इट्स नॉट ट्राइंग। प्लीज ट्राई। Everyone tried beta. Even if somebody is wrong, there is a scope for improvement. Not trying is what will I do? Sit. ये हो गया पिल्लू? Question number ninth. Nova. कौन सा homework? कोई homework नहीं है, sale है उसमें। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स निधि ट्रेडर्स जुलाई 22। लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ, संतोष लिखो इन द बुक्स ऑफ, कौन बोला शटअप? पिकल योर गर्ल सेंटेंस, शटअप कौन बोला इधर? अरे इधर कोई तो शटअप बोला ना, अरे झूठे कैसे लोग, अरे कोई तो शटअप बोला इधर, तू बोले ना, गुड, या बहुत बढ़िया बेटा। इन द बुक्स ऑफ मेसर्स निधि ट्रेडर्स
सर एसपीसी ऐप भी चैट देखो, अरे एसपीसी के ऐप क्यों नहीं लगे भाई, उनके चैट देखी नहीं मैंने अनफॉर्चुनेटली, सॉरी। नाउ बेटा जी फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो क्या लिखा है, क्या फॉर्मेट नहीं हो, जल्दी करना भाई एड़े, फिर रोते क्या बेटा एड़े, कल से टोपी मत पहन के आए कर, पुराने जमाने में टोपी कौन पहनता था पता है क्या, कोई एक लेवल होता था ना आदमी का, तब वो टोपी पहनता था, वो सारे काम फास्ट करते थे। कैसे जलील करते हो सर आप। पढ़ लेते पहला वाला, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ मेसर्स निधि ट्रेडर्स जुलाई 22, ध्यान दे गुंडी, सोल्ड गुड्स फॉर 50,000, चार्ज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6%। अब बात आई आपको शॉर्टकट की, तो तब नलायक पहले मुझे बताओ सेल्स को कौन सा बैलेंस, क्या सेल्स बोला है क्या वर्ड, सेल्स को क्रेडिट बैलेंस, सो इसका जीएसटी भी कहां पर आएगा, परचेस का जीएसटी कहां पर आता है, सेल का कहां पे आएगा, परचेस वाले का नाम क्या, सेल वाले का नाम क्या, बेस्ट है कैश है क्रेडिट है, लिखो फिर किसी को बताना मत, कैश को कौन सा बैलेंस, कौन बताएगा नलाय को, हाँ सॉरी क्यों मैं इतना फॉर्म में है पता नहीं, मुझे लगा नहीं बताओगे आप। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया। बेटा सीजीएसटी बराबर है क्या, बट सिर्फ सीजीएसटी होगा कि आउटपुट सीजीएसटी होगा, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट, कितना प्यारा बच्चा है, कैसा लगा मेरा मजाक। 50,000 इंटू 6% कितना है क्या पिल्लू, 3,000। लिख लीजिए बीइंग, being sold goods, being sold goods for cash, being sold goods for cash, चलो अगला वाला, सरकार सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर 28, ये कैश है कि क्रेडिट है बाबू, क्रेडिट है तो मुझे एंट्री नहीं आती, आप करो। अच्छा सुरजीत को डेबिट करेंगे क्रेडिट, काहे बे, अमाउंट इज रिसीवेबल और पेएबल, सो सुरजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू इन आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी करेंगे, इनपुट आउटपुट ना बेटा, अच्छा सो रसगुल्ले बच्चों इंक्लूडिंग, यार तुम बहुत पूरा देख लेते हो यार, छी ये सेल्स, ये क्या जीएसटी, और ये क्या आएगा इंक्लूडिंग जीएसटी, बराबर है, थैंक यू सो मच बेटा, इंक्लूडिंग जीएसटी, अब मैं अगली बार से अच्छे से पढ़ूंगा। अब मुझे बताओ किसका परसेंटेज दिया होता है जीएसटी में, मुझे आवाज नहीं आ रही है, कभी भी ध्यान में रखो जीएसटी का परसेंटेज किसका दिया हुआ है, परचेस सेल्स, तुम्हारी फीस का परसेंटेज जीएसटी, बराबर है कि नहीं, सो कैन आई नॉट से सेल्स इज 100, जीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों मिलाकर कितना है, 6% है तो 12% बोलू क्या, तो ये कितना हो जाएगा, 112 है, ये किसको नहीं समझा है? मुझे बता दो, देखो बेटा जी जब भी परसेंटेज दिया जाए इट हैज टू बी आउट ऑफ 100, सो हमारे पास तीन आइटम है, एक जीएसटी है,
एक सेल्स है और एक इंक्लूडिंग जीएसटी। तो परसेंटेज किसका होता है? सेल्स का होता है। परसेंटेज किसका होता है? परचेसेस का, राइट तो जैसे मैंने मेरे आर्किटेक्ट की फीस डिसाइड करी 1,00,000 रुपीज, सो बेटा जी जीएसटी 1,00,000 पर लगेगा, जो उसका सेल्स है मेरा एक्सपेंस है, यस और नो? सो बेटा जी मैंने सेल्स 100 पकड़ा और जीएसटी 12% और इंक्लूडिंग जीएसटी 112%। सर बट उधर तो 6% बोला, बट 6% किसका बोला बेटा जी? एसजीएसटी 6%, सीजीएसटी 6%, तो टोटल मिलाकर कितना? 12%। हा या ना? आप मेरे खरबूजे मुझे बता, 28,000 इंक्लूडिंग जीएसटी है क्या? सो बेटा जी मुझे अगर सेल्स चाहिए तो मैं एक्स कर दू क्या? ये ऐसे भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो लो 28,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 112, क्या 25,000 आया गया ये वर्किंग नोट में फर्स्ट? तो आपका सेल्स आया 25,000, एग्रीड? गुड़िया समझ में आया बेटू कैसे मल्टीप्लाई कर रहे? समझ में आया? वी हैव टू से 28,000 और अपने को जो फिगर चाहिए उसको एक्स लिख दो, 28,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 112, डन। सो बेटा जी अब आ जाओ और लिख दो इधर, कहां गई हमारी एंट्रीज? चुप रहे पागल। सुरजीत टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, मुझे फिगर याद नहीं आ रहे, आप अगर हो सके तो बता दो मुझे। सुरजीत कितना आएगा सोच के बताओ? 28। टू सेल्स कितना आएगा? टू आउटपुट सीजीएसटी विल इट बी 3,000 और आधा आधा? आधा आधा ना भाई, क्योंकि टोटल जीएसटी वॉज 12%, बट 6% निकालोगे, निकाल दो 25,000 का 6% कितना आ रहा है देखो, 1,500 आ रहा है। यस चलो लिख दो बेटा जी, सुरजीत अकाउंट डेबिट 28,000, टू सेल्स 25,000, टू आउटपुट सीजीएसटी कितना आएगा बेटा? ये एट द रेट ऑफ 6% कर देता हूं, 25,000 इंटू 6% 1,500 बेटा, और ये भी आएगा 1,500 बीइंग सोल्ड गुड्स टू सुरजीत, आर वी डन? Dear students, now I want you all to come down to the next transaction, that is on 5th date. पहली वाली थी जुलाई 22 में, 3 तारीख को थी, दूसरी वाली ट्रांजेक्शन 4 तारीख को थी, अगली वाली ट्रांजेक्शन 5 तारीख को है। बेटा जरा पढ़िए क्या लिखा है, रिसीव 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 28,000। बेटा हाउ मच वॉज रिसीवेबल फ्रॉम सुरजीत इफ यू कुड टेल मी? 28,000। हाउ मच डिड यू रिसीव? सो बेटा जी एक बार कैलकुलेटर पर लो, 28,000 माइनस 25,200 2,800 क्या? डिस्काउंट अलाउड कितना है? 2,800। बेटा जब आप सेटलमेंट की एंट्री करते हो तब जीएसटी को हाथ नहीं लगाना, ये पर्सनल अकाउंट को सेटल कर रहे हो, सही है और नो? सो बेटा जी एंट्री कैसे आएगी देखो, फिफ्थ वन हमने लिखा कैश अकाउंट डेबिट 25,200 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हाउ मच? 2,800 टू सुरजीत अकाउंट 28,000। क्या नरेशन आएगी? बीइंग रिसीव्ड कैश एंड डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट अलाउड ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स ट्रांजेक्शन हो गई 3, 4, 5, 6 सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर रुपीज 30,000
चार्ज आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, रिसीव 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिसीव्ड आफ्टर 1 month. सो बेटा जी मुझे एक बात बताइए, गुड्स कितने के बेचे? सो कैन आई नॉट से सोल्ड टू कपिल? कितना है बेटा जी सेल्स? कितना है? 30,000. आईजीएसटी कितना है? 12%. 30,000 इंटू 12% 3,600. कितना आ जाएगा? 33,600. कैश रिसीव्ड 12,000. बैलेंस कितना रहेगा? 21,600. ये जैसा परचेस का था वैसे ही एंट्री ये भी है. आर वी रेडी? सो ये देखो बेटा जी एंट्री क्या बने. क्या कितना स्लो लिखते हो बेटा? नहीं तुम ऐसा नहीं बोलते जैसे इंडिया में बहुत भारी स्टाइल है. दे डोंट से एक्सक्यूज मी सर, सर प्लीज वेट, ऐसा कुछ नहीं. नहीं हुआ कंप्लीट, यू हैव गॉट वेरी गुड गुड स्टाइल. कुछ सुनाई नहीं दिया है? ऐसा नहीं कि कैन यू रिपीट इट अगेन? नहीं. मैं कितना ध्यान देना पड़ता है तुम्हारे सभी एक्सप्रेशन पर, आवाजों पर अलग अलग. बेटा तेरी आवाज की बात नहीं चल रही थी. सिक्स्थ वाली ट्रांजेक्शन सुन लेते. आर यू रेडी? तो मुझे एक बात बताइए, सोल्ड गुड्स टू कपिल तो क्या बोलेंगे? कपिल कैश, कपिल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी. बेटा एक बार बताओ मुझे कपिल अकाउंट कितना है डेबिट? तुम क्या बोलते हो कभी कभी समझ में नहीं आता. 21,600. कैश कितना आया? 12,000. सेल्स कितना आएगा? 30,000. और आईजीएसटी कितना आएगा? 3,600. बीइंग सोल्ड गुड्स टू कपिल, सोल्ड गुड्स टू कपिल एंड अकाउंटेड फॉर आईजीएसटी. रसगुल्ले बच्चों, ये हो जाने के बाद में सेवेंथ ट्रांजेक्शन के पास चलेंगे, मतलब टेंथ ट्रांजेक्शन. ओके प्लीज रीड इट. आर वी रेडी? बेटा अभी प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस है, क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूं ये लास्ट एंट्री है आज की, और ये एंट्री में कुछ एक कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है. आप रेडी हो सुनने के लिए? यस सर. बेटा क्या हुआ, कपिल वाज अलाउड रिबेट ऑफ ₹5,000 एज गुड्स सप्लाइड टू हिम वर डिफेक्टिव. दीज गुड्स वर सोल्ड बाय चार्जिंग आईजीएसटी एट 12%. नाउ कम्स अ क्वेश्चन, व्हाट इज रिबेट? सो बेटा जी माल डिफेक्टिव था तो जो रेट हमने कपिल के साथ नेगोशिएट की थी वो रेट गलत हो गई. मतलब इसको ऐसा मान के चलो कि ये सेल्स रिटर्न है बट नॉट एग्जैक्टली सेल्स रिटर्न. तो पहले सेल्स रिटर्न क्या होता है? माल डिफेक्टिव है तो मैं क्या करूंगा? इधर अबे, नहीं तू ना को, कोई दूसरे को बुला था. तू येल्लो तू आएगा, हाँ माल लेके जल्दी से. कहां से आए हो आप? पुणे से. क्या नाम मित्र? कुठल्या गावचं म्हणजे कुठं राहिला? वाघोलीवर नाही तो खरं मेट्रोवर ना? ठीक है तू जा रहा है इधर रुक. ये मेरे को माल बेचेगा, तुम्हारे लिए क्या हुआ? ये क्या हुआ? सेल्स हुआ ना. अबे माल का मतलब गुड्स होता है यार, प्लीज मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा तो पढ़ लो यार. तो ये गुड्स मैंने लिए तो इसके लिए क्या है? बराबर है. ये पसंद नहीं आया
मैंने क्या कर दिया, रिटर्न। तो बेटा जो सेल के वक्त जीएसटी रिकॉर्ड करी थी, क्या वो वापस रिवर्स होगी क्या? धन्यवाद, वापस से बता रहा हूं, सेल करो, माल पैसे नहीं है, फिर मैंने रिटर्न कर दिया, तो जो जीएसटी रिकॉर्ड करी थी वो वापस रिवर्स होगी क्या? हमने परचेस रिटर्न की एंट्री में करा था, वैसे ही सेल्स रिटर्न में भी होगा। अब कॉन्सेप्ट दूसरा है, ये मैंने परचेस किया, मतलब इसने सेल किया, अब इसके एंगल से देखना, ये रेट आई थी मेरे पास 400 रुपीज का, बट मैंने इधर आने के बाद में देखा और फिर मैंने इसको कॉल किया, मैंने बोला देख भाई माल पसंद नहीं आ रहा है मेरे को, ये डिफेक्टिव भी है, तुमने 400 में भेजा था मेरे को, 400 में तो कोई रखने जैसा माल है नहीं, मैं आगे बेच ही नहीं पाऊंगा, मैं इसको बोल रहा मैं इसको वापिस रिटर्न भेज रहा हूं। ये बोलता है कि सेठ कहां रिटर्न भेजोगे, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जाएगा, आपसे हर बार धंधा करते हैं अपन, क्या है वो सल्टा होना। तो फिर मैं बोलता हूं कि भाई 400 में नहीं ले रहा है मैं, 350 में लूंगा, कितने में? इसको बोलते हैं रिबेट, जो इनवॉइस बना है वो रिवर्स होता है रिबेट में, डिस्काउंट अलाउड में इनवॉइस बना हुआ रिवर्स नहीं होता, वो अर्ली पेमेंट के लिए डिस्काउंट दिया जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड, हियर द इनवॉइस प्राइस इज गोइंग टू चेंज। तो मैं इसको बोल रहा भाई मैं 400 में नहीं ले रहा, कितने में ले रहा है? 350। बट इस पुट्टे ने मुझे जीएसटी किस पर लगाया था? 400। तो जब रिबेट होता है तब उसमें राजा बेटा जी जीएसटी भी रिवर्स होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कभी 400 की हुई नहीं थी, ट्रांजैक्शन कितने की हुई? 350, क्योंकि मैं एग्री ही नहीं कर रहा था, माल डिफेक्टिव था। बट दूसरा एक देखो, सेल कर, इसने सेल किया मुझे, मैंने परचेस किया और ये 400 में किया, मैं बोलूंगा तुम्हारा नाम क्या है? सार्थक भाई। मैं बोला थोड़ा डिस्काउंट दो ना, अब माल ठीक है। सार्थक भाई थोड़ा डिस्काउंट दो ना, सार्थक बोला ठीक है ले लो सर 4%, 5%। अब मैं जल्दी पेमेंट कर रहा हूं इसलिए डिस्काउंट मिल रहा हूं, डिस्काउंट में जीएसटी रिवर्स नहीं होती है। गो एंड चेक, डिस्काउंट की एंट्री करी थी, कौन था वो पुट्टा अपना? सुरजीत, सुरजीत के डिस्काउंट की एंट्री थी, उसमें रेट चेंज नहीं हुई थी, द गुड्स डिफेक्टिव नहीं थे, डिस्काउंट की एंट्री में जीएसटी रिवर्स नहीं होगा। किस में रिवर्स होगा? रिबेट में। रिबेट में एक्चुअली माल उतने में बिका ही नहीं था, कम दाम पर बिका था। तो अभी बेटा जी अगर आप बैठो, बेटा थैंक यू, कपिल को माल कितने में बेचा था रे? 30,000। बट अभी हम उसको क्या बोल रहे हैं? भाई हम नहीं मान रहे तेरा 30,000 का रेट, हम कितना रिबेट मांग रहे हैं? 5,000। अगर मैं 5,000 का रिबेट मांग रहा हूं तो बेटा जी 5,000 का जीएसटी भी रिवर्स होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो चलिए आप एंट्री करिए मेरे साथ, पहले एक नोट लिख लीजिए, इन केस ऑफ रिबेट, इन केस ऑफ रिबेट, इन केस ऑफ रिबेट रिवर्स, हाँ लिखो, इन केस ऑफ रिबेट राइट रिवर्स जीएसटी कंपोनेंट आल्सो, जीएसटी कंपोनेंट आल्सो, प्लीज नोट दैट, प्लीज नोट दैट इन केस ऑफ डिस्काउंट अलाउड, इन केस ऑफ डिस्काउंट अलाउड, इन केस ऑफ डिस्काउंट अलाउड डू नॉट रिवर्स, do not reverse, do not reverse GST। अच्छा मुझे बता दो, कपिल के साथ, कपिल के साथ GST CGST था या IGST था? IGST। तो रिवर्स भी क्या होगा? कितना रेट से था एंट्री नंबर 6 में? 12%। सो अभी रिवर्स भी कितने से होगा? 12% से होगा। सो राजा बेटा जी लिख लीजिए एंट्री, 7th वाली एंट्री, इधर सेल्स था तो हम बोलेंगे रिबेट, रिबेट इज जस्ट लाइक सेल्स रिटर्न। तो आपकी समझ के लिए मैं लिख देता हूं सेल्स रिटर्न, सिर्फ समझने के लिए, नहीं रहने दो, सेल्स रिटर्न जैसा। रिबेट कितना है बेटा जी? 5,000। इस एंट्री को लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5,000। और इधर आएगा आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%, बेटू कितना आएगा टिल्लू? Can I write down 600 to Chapil? 5,600 being allowed rebate. Being allowed rebate. Kana Garg ji aisa bolkar nahi chalta, wo ek tarike ka discount hai. There has to be difference between discount and rebate, nahi to dono ka naam ek hi rakh dete hai, discount hi. Rebate shabd tab hota hai jab uska impact sales mein jata hai ya purchase mein jata hai.
डिस्काउंट का इंपैक्ट कभी भी परचेस या सेल्स में नहीं जाता है, डिस्काउंट का इंपैक्ट जाता है डायरेक्टली सिर्फ उस पर्सनल अकाउंट में और पी एंड एल अकाउंट में, अगर आपको कॉमर्स के विद्यार्थी हो। रिबेट का इंपैक्ट सेल्स में जाता है, वो सेल्स को रिवर्स करता है, रिबेट सेल्स या परचेसेस को रिवर्स करता है। बात समझ में आ रही क्या? मतलब जो ट्रांजैक्शन हुई थी जिस अमाउंट पर, उस अमाउंट पर हुई नहीं थी, मतलब उसने भेज तो दिया था उससे, बट हमने माल देखने के बाद में बोला ये पसंद नहीं है हमको, ये हम इतने में नहीं एग्री कर रहे, तो एक्चुअली वो उस समय रिबेट जब देता है तो एक्चुअली सेल्स का फिगर कम होता है। डू यू ऑल एग्री? ऑलराइट, तो लिख दीजिए बीइंग रिबेट अलाउड, लिख दिया। नाउ राजा बेटा जी, ट्रांजैक्शन नंबर सुन तो लो, हो गया क्या? ट्रांजैक्शन नंबर 12th, 13th और 17th होमवर्क है बेटा, मैंने देख लिया ट्रांजैक्शन, तीनों ही ट्रांजैक्शन इजी है, तो ये होमवर्क है। और राजा बेटा जी इलस्ट्रेशन नंबर 10 ये भी होमवर्क है, एग्रीड? होमवर्क है। तो कितनी ट्रांजैक्शन होमवर्क है आपको? 6। सो आई विल मीट यू ऑन मंडे। ये ऊपर की 12, 13, 17 और अगले क्वेश्चन की कितनी? 1, 2, 3। सो आपको 6 ट्रांजैक्शन होमवर्क है, करके आना, एंड आई विल मीट यू ऑन व्हाट? मंडे। ए और एक क्वेश्चन होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 41 है क्या बे? अच्छा क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये ट्राई करना, मतलब सॉल्व करना, इधर नहीं करूंगा वापिस, सॉल्व कर देना बस, ठीक है? कैसे यार तुम, कैसे टीचर के साथ में सौदा करते हो यार तुम, मतलब एक तो इतना अच्छा आदमी हूं कि तुम करके आते हो फिर मैं फिर भी सॉल्व करता हूं, तुम्हें दो बार करने में क्या प्रॉब्लम? जिंदगी में करेगा नहीं क्या दूसरी बार? चलो प्रेम से बाय बाय बोलो।